हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूपचंदा पालन की, जिसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे चाइनीज़ पॉम्फ्रेट भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी पॉम्फ्रेट की तरह दिखती है। ठीक है, तो किसे रूपचंदा का पालन करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स ज़रूरी होते हैं, क्या क्या चीज़ की डिमांड होती है, वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे, ताकि आप इसका कल्चर करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहली बात कि रूपचंदा जो होती है वो एक हार्ड फिश होती है। थोड़े बहुत टेम्परेचर वेरिएशन से, थोड़े बहुत पीएच के अप डाउन से, या फिर अमोनिया से थोड़े बहुत इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे दूसरी मंदियाँ जो जल्दी इफेक्ट हो जाती हैं, ये जल्दी थोड़े इन सब चीज़ों से इफेक्ट नहीं होती है। तिलापिया की तरह ये भी एक हार्ड फिश होती है। दूसरा पॉइंट, रूपचंदा के लिए आप सबसे पहले अपने लोकल मार्केट में जाइए और पता कीजिए कि इसका आपको क्या रेट मिल रहा है, क्या इसकी डिमांड है, कितना आप लेके जाएंगे तो आपकी सेल हो जाएगी। क्योंकि जनरली इसका जो रेट है वो 100 से 140 के बीच में वेरी करता है। अगर इतना आपको रेट मिल रहा है तो ठीक है, अगर इससे कम आपका रेट है मार्केट में तो आप इसका पालन ना कीजिए, क्योंकि इससे कम पे आपको इसमें पड़ता नहीं पड़ेगा, आपको पैसे बचेंगे नहीं। तो अगर इससे अच्छा आपको ऊपर रेट मिल रहा है तो आप इसका पालन कीजिए, और लोकल मार्केट में आपकी डिमांड होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आप इसमें फीड की कॉस्टिंग जो होती है वो आप कम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मछली होती है ये आपका चिकन वेस्ट जो होता है उसको खा के आप इसको पाल सकते हैं। अगर आपके लोकल मार्केट में चिकन वेस्ट ज़्यादा निकलता हो, ठीक है, तो आप उसे खिलाकर भी इसे पाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उस पर उस चिकन वेस्ट को बहुत अच्छी तरह से खाती है, और उस पर भी आप इसे पालन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप चिकन वेस्ट खिलाकर आपके फीड के कॉस्ट को बिल्कुल कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि बहुत लोग पूछते हैं कि क्या रूपचंदा डकवीड खाती है। तो डकवीड ये बहुत अच्छे से इनटेक नहीं करती है, बहुत ही कम मात्रा में या फिर 9 के बराबर ये डकवीड खाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर मांसाहारी फीड ही खाना पसंद करती है। तो इसे डकवीड नहीं खिलाइए। हाँ, अगर आप इसे होममेड फीड देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कुछ हद तक आप इसे होममेड फीड खिला सकते हैं, या फिर अगर आप इसे टोटली जो कंपनी का फीड आता है, जो प्रोसेसिंग फीड होता है, वो अगर जो कमर्शियल फीड है वो इस पर आप पालना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से आप इसे पाल सकते हैं, वेट गेन ये बहुत अच्छा करेगी। पर हाँ, हाई प्रोटीन फीड होना चाहिए, हाई प्रोटीन फीड आप खिलाएंगे तो ये इसका आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इसमें मैंने आपको बताया इसमें कोई जल्दी बीमारी नहीं आती है, ये एक हार्ड फिश है तो ये जल्दी इसमें कोई बीमारी आती नहीं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बात करें इसके FCR की, तो FCR आपको 1.2 से 1.5 देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप टैंक में कल्चर कर रहे हैं तो 1.2 1.3, या फिर अगर आप पौंड में कल्चर कर रहे हैं तो 1.5 के आसपास आपको इसका FCR देखने को मिलेगा। पौंड में थोड़ा अलग तरह से हम कल्चर करते हैं, और जो बायफ्लॉक हुए उसकी थोड़ी सी अलग कल्चर होते हैं। ये दोनों टॉपिक अलग अलग हैं, तो थोड़ा बहुत हम दोनों के बारे में बताते चलेंगे। बात करते हैं इसके कल्चर पीरियड की। तो लगभग अगर आप बच्चा डाल रहे हैं, फिंगर लेंगे, मतलब लगभग 6 से 10 ग्राम का अगर आप बच्चा डाल रहे हैं तो 8 से 10 महीने में ये 1 kg ग्रोथ ले लेती है। अगर बीच में आपके कोई कल्चर में कोई दिक्कत नहीं आई है, पानी का पैरामीटर ज़्यादा नहीं बिगड़े हैं, और अगर इसका कल्चर आप अच्छे से करते चले जाएंगे, अगर आप इसे ग्रोथ प्रमोटर सब चीज़ें भी मिला के समय समय पर दे रहे हैं, तो आपकी 8 से 10 महीने में ये 1 kg हो जाती है। ठीक है, और अगर आप इसे हाई प्रोटीन फीड दे रहे हैं। तो बात करें अगर इसके कितना हमें पालना चाहिए, तो अगर आप पौंड की बात करें तो 1 एकड़ में आप इसके लगभग 8 से 10 हज़ार तक आप इसका सीड डाल सकते हैं। क्योंकि आप ज़्यादा हाई डेंसिटी में पालेंगे तो आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। वो तो थोड़ा आप डेंसिटी कम रखेंगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी आएगी। और यदि बात करें टैंक की, तो टैंक में आप अगर आपका 10,000 लीटर का टैंक है तो 500 सीड से ज़्यादा मत डालिए, 500 से 600 बच्चे आप डालिए एक टैंक में, तो इसकी ग्रोथ आपको देखने का अच्छी मिलेगी, कम समय में अच्छी ग्रोथ लेगी। और यदि आपने 800 या 1000 फीड स्टॉक कर दिया तो ग्रोथ आपकी जाहिर सी बात है कि कम ही होगी, थोड़ी कम देखने को मिलेगी, आपको कई बार छटाई करनी पड़ेगी, तो आपकी धीरे धीरे वो मछली निकलेगी। इससे अच्छा है कि आप 500 से 600 सीड डालिए और 8 महीने के आसपास उसको निकालिए, आपका बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें कि इसकी मोनोकल्चर करें या फिर और मछलियों के साथ इसे पाल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आप किसी और मछली के साथ इसे मत पालिए।
आप इसका मोनोकल्चर कीजिए, क्योंकि ये एक मांसाहारी मछली होती है और थोड़ी सी भी कि अगर कोई मछली कमज़ोर पड़ती है इसके साथ की अगर कोई दूसरी मछली होती है तो इस पर अटैक करती है, उसको काटेगी खाएगी और उसका तो आपको दूसरी मछलियों का दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मोनोकल्चर कीजिए, सिंगल इसको पालिए, दूसरी किसी मछली के साथ इसको ना डालिए। एक बात ध्यान देने वाली है कि एरिएशन आपका अच्छा होना चाहिए, कि आप अगर टैंक कल्चर कर रहे हैं तो एरिएशन का इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका एरिएशन बंद होता है तो मॉर्टेलिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको ये एयर ब्रीदिंग फिश नहीं है, ये पानी से ही ज़्यादातर अपना एयर जो लेती है। तो आप एरेशन आपको अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा, आपका पंप बंद नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बहुत हो जाएगा इसके लिए। इसलिए आप एरिएशन, अगर आप इसका कल्चर करना चाहते हैं तो एरिएशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और पॉन्ड में आप तो पानी चलाकर इसका कल्चर, मतलब पानी आप भरते हैं तो एरिएशन होता रहता है, मगर ज़्यादा हाई डेंसिटी में आप पॉन्ड में से ना पालिएगा, क्योंकि एरिएशन इसको चाहिए। ये पेंगेसियस या फिर मांगुर की तरह फिश नहीं है कि आप एरिएशन नहीं देंगे तो भी आप इसे पाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको एरिएशन चाहिए। इसको एरिएशन, एयर ब्रीदिंग फिश नहीं है, इसको पानी के, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन इसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एरिएशन का आपको खास ध्यान रखना है। जितना अच्छा आपका एरिएशन होगा उतनी अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाँ, अगर आप इसे टैंक में कल्चर कर रहे हैं या फिर पॉन्ड में पाल रहे हैं तो इसके साथ आप तिलापिया फिश डालिए। शुरुआत में नहीं, जब तिलापिया फिश आपकी थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाए, लगभग 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम की आपकी तिलापिया फिश आपकी टैंक या फिर पॉन्ड में हुई पड़ी हो, तब आप इसका बच्चा छोड़ दीजिए अपने टैंक में चाहे पॉन्ड में। तो होगा क्या कि तिलापिया जो होती है वो जानते हैं कि बहुत ही बच्चे बहुत ज़्यादा देती है, और अपने बच्चे अगर आप डालते हैं तो आपके पूरे टैंक में चाहे पोखरा में बच्चे ही बच्चे हो जाते हैं। और ये जो मछली होती है रूपचंदा, इसको उसके बच्चे उसको खाती है, बहुत उसमें हाई प्रोटीन भी होता है और इसकी बहुत अच्छी वो एक तरह का फीड हो जाता है इसके लिए। तो आपके टैंक में ये बच्चे को कभी बढ़ने नहीं देगी, बच्चे खा खा के ही अपना ग्रोथ लेती रहेगी और आपकी फीड की कॉस्ट भी बहुत कम आएगी और एक बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसके, इसको डालने से पहले जब आपकी तिलापिया है उसको डाल दीजिए, और उसको जब 100-150-200 ग्राम का साइज़ हो जाए तब इसको आप स्टॉक कीजिए। उसके बाद आपको फीड भी कम लगेगा और आपको ग्रोथ भी बहुत शानदार देखने को मिलेगी। एक बात ये होती, लोग पूछते हैं कि क्या इसका ठंड में कल्चर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसका जवाब यह है कि आप ठंड में इसका कल्चर नहीं कीजिए टैंक में। अगर आप टैंक में पाल रहे हैं तो ठंड में आप इसका कल्चर ना कीजिए, क्योंकि जब टेम्परेचर 15 से नीचे जाता है, माने 16 से लगभग नीचे जब जाना चालू करता है तो इसकी मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। ठंड में ये सर्वाइव टैंक में नहीं कर पाती है। हाँ, पॉन्ड में कल्चर कर रहे हैं तो तालाब में तो पानी बदल कर आप इसका कल्चर कर सकते हैं, क्या पॉन्ड में रह जाएगी, मगर टैंक में यदि आप कर रहे हैं तो बायफ्लॉक में, तो आप इसका ठंड में कल्चर ना करें। रही बात पीएच की, तो पीएच आप इसके लिए 7.5 से 8.5 के बीच में वेरी करता है, इसके बीच का जो पीएच है वो बहुत बढ़िया है इसके लिए। ये स्ट्रेस फ्री फिश है, कोई भी स्ट्रेस इसको जल्दी नहीं आता है। जैसे आप अगर मान लीजिए पार्शियल हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपने जैसे पेंगेसियस होती है बेकरी जैसर, जिसे कहीं पर जासर भी कहते हैं, उसके आप यदि उसको छेड़ते हैं तो वो फीड इनटेक करना बंद कर देती है 1 से 2 दिन के लिए, मगर ऐसा इसमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। आप इसकी हार्वेस्टिंग अगर कुछ पार्शियल हार्वेस्टिंग आज करेंगे तो ये आज अगर फीड डालते हैं तो फीड इनटेक करेगी, स्ट्रेस नहीं लेती है फिश से ज़्यादा, स्ट्रेस फ्री फिश है। ठीक है, तो आपको लगभग हर बात हमने इसके कल्चर के बारे में बताई, और हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको सारे इसके डाउट क्लियर हुए, क्योंकि हमने इसका कल्चर एक बार करके देखा अपने टैंक में, पूरे 1.5 साल हमने इसका कल्चर किया, बहुत अच्छा ये मछली है, बहुत अच्छी हमको ग्रोथ भी देखने को मिली। बट टैंक में दिक्कत हमारे साथ ये आ गई कि ये इसकी मतलब इतनी एग्रेसिव फिश होती है कि ये तारपोलिन जो होता है, जो टैंक में जो आप एरिएशन पाइप लगाएंगे, सब चीज़ काट देती है ये, जो भी इसको काटने लायक हो दिखेगा वो उसे काट के बर्बाद करके रख देगी। हमारे कितने तारपोलिन इन्होंने काट दिए और हमने उन्हें फिर बाद में रिपेयर किया, जिसका वीडियो भी हमने डाला था और आपको बताया भी था। तो टैंक में थोड़ा यही दिक्कत आती है कि ये आपका तारपोलिन सब काट देगी। तो अगर आपका सीमेंट टैंक है तो आप इसका कल्चर कीजिए, या फिर पॉन्ड में आप इसका कल्चर कीजिए, तारपोलिन टैंक में तो ना ही डालिए तो अच्छा है। लग बाई चांस अगर आपका तारपोलिन ना काटे तो ना काटे, मगर अगर काटने लगी तो पूरा ही बर्बाद कर देगी, फिर आप उसे रिपेयर जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा होगा कि आप तारपोलिन टैंक में इसे करना इग्नोर कीजिए।
तो आपको लगभग सारी जानकारी हमने इसके बारे में दे दी है, क्योंकि हमने कल्चर किया था तो बहुत अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली थी, और आगे भी जब हम अगर करेंगे, अगर लाइनर टैंक चाहे पॉन्ड अगर बनाएंगे तो इसका कल्चर जरूर करेंगे और अपडेट इसकी आपको देंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने अलग अलग ग्रुप्स में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।